सी गुसले में आपका स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ, ये कपड़ा मैंने किस लिए लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ आज देवी माँ का वस्त्र बनाने जा रही हूँ, क्योंकि नवरात्र आने वाले हैं एक दो दिन में, तो नवरात्रा पे हम कुल देवी को नए वस्त्र पहनाते हैं, तो वो मैं सिलूंगी नए वस्त्र। तो ये कपड़ा मैंने ले लिया येल्लो कलर का, जिसमें चूंथी वर्क का काम है, और इतनी सारी मैंने लेसें ले ली है। मैं जो अच्छी लगेगी, जैसे येल्लो पे येल्लो लगा देंगे, और एक मखमल का रेड कलर का कपड़ा है उसका भी हम वस्त्र बनाएंगे। तो वो वस्त्र को कैसे सिलते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। इस टाइप का वस्त्र बनता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो बीच में खाली जगह रहती है, ताकि तस्वीर में जो भी हमारे देवता होते हैं उनकी शक्ल है जो अच्छे से नजर आए। हमें ठाकुर जी की जो तस्वीर है वो मैं ये लेके आई हूँ। इस टाइप की जो तस्वीर होती है ना, उनके लिए ये वस्त्र पहनाया जाता है, ताकि आप आराम से उनमें ऐसे पहना सकते हो और आपको उनकी शक्ल भी नजर आती है और कपड़े भी पहने हुए होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, तस्वीरों को खुला नहीं रखना चाहिए, उनको कपड़े पहनाने चाहिए। तो अभी जैसे ये तस्वीर है, कपड़े कैसे पहनाएंगे, इनके कपड़े भी मैं सील के और आपको पहना के बताऊंगी। तो पहले मैं कुलदेवी का वस्त्र है जो बना के आपको बता देती हूँ, फिर मैं लड्डू गोपाल की तस्वीर की ड्रेस बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे सीली जाती है, कैसे बनाई जाती है। तो आपके घर में जितनी भी ऐसी तस्वीरें हो, जैसे करणी माता की हो, लड्डू गोपाल की हो, किसी को भी आपको ऐसे वस्त्र पहनाने हो, तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरा बताऊंगी कैसे सीलने और कैसे बनाने। घर पे स्टिच आराम से कर सकते हैं, वस्त्र की कटिंग करना आपको बता देती हूँ। पहले मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो इनके पीछे है जो पूरा कपड़ा लगा हुआ है इस तरीके से, और आगे है जो हमने लेस लगाई है इस तरीके से, ताकि हम तस्वीर में अच्छे से ड्रेस बना सकते हैं। मेजरमेंट लेने के लिए हम इंची टेप ले लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई वो आ रही है हमारी 9.5, तो हम 9.5 की जगह 10 लेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच हमारा दाब में चला जाएगा। जो लंबाई है वो भी मैं देख लेती हूँ पहले, ये इनकी 12.5 आ रही है। हम इसकी लंबाई है वो भी 13 या 13.5 ले लेंगे। तो मार्जिन जितना देना चाहे उस हिसाब से आप कटिंग कर लीजिए, आधा इंच तो कम से कम एक्स्ट्रा रखना ही रखना है। पीछे वाला कपड़ा वो मैंने अलग से लिया है, और आगे के लिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये वाली येल्लो कलर की लेस, ये बहुत अच्छी लगेगी। जो कपड़ा लगाना है वो उसके लिए मैंने येलो कलर का ये कॉटन का कपड़ा लिया है, ये पीछे कपड़ा लगा देंगे। पहले मैं कपड़े की कटिंग कर लेती हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करनी है। हमने मेजरमेंट निकाला था इस वस्त्र का 12.5 और 9.5। कपड़ा हमने नीचे लगाने वाला लिया है ना, सिंपल कॉटन का, ज्यादा काम नहीं आ रहा, वो कपड़ा आप नीचे लगा सकते हैं, वो दिखने वाला नहीं। तो इसकी मैंने लंबाई ली है 13.5, जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 11, ताकि 10.5 के बाद जो आधा आधा इंच थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन है वो हम दे देंगे अंदर। तो जो हमें ये पट्टियां निकालनी है, इसकी वस्त्र दे रखा है पहले से, इस वस्त्र की देख लेते हैं कि ये पट्टियां हैं जो अलग से पट्टी दे रखी है, ये कितने इंच की है। सकते हैं पूरा 3 इंच की ये पट्टियां है, सारी 3-3 इंच की है। तो 3.5-3 लेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच है जो चारों तरफ दाब में भी जाएगा, तो 3.5-3 इंच की हम पट्टियां काट लेंगे। इस कपड़े में से हम पट्टियां निकाल लेंगे इस तरीके से, 3.5 इंच की पट्टी निकालूंगी, मैं निशान लगा लिए। अब मैं कटिंग कर लेती हूँ इसकी। ये मैंने पट्टियां निकाल ली 3.5 इंच की, इट्स ए वेस्ट कपड़ा, इसको भी हटा देते हैं। ये घर पे आप आराम से कर सकते हैं। हमने ये पट्टियां ले ली है, तो पहले पट्टी हम लगाएंगे जो हमारी ऊपर की पट्टी होती है वो वाली लगाएंगे, चौड़ाई वाली पट्टी। तो उसको इस तरीके से लगाना आपको उल्टा। हमने ऊपर की पट्टी लगा ली है पहले, ये वाली। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर की पट्टी में हम पहले लेस लगा देंगे ये वाली। तो लेस को हम थोड़ा सा अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ताकि ये लेस है जो खुले नहीं, और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't एक सिलाई लगा ली लेस पे, अब हम दूसरी सिलाई है वो लगा रहे हैं। Really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. हमने ये लेस लगा के यहाँ पे डबल सिलाई लगा के रेडी कर दिया है। देख सकते हैं दूसरी साइड भी अच्छे से फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। दूसरी पट्टी हमने ये रखी है, ये हम साइड में लगाएंगे इस साइड। ये सिलाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट सिलाई लगानी है, कि ये कपड़ा पूरा इसमें दब जाए। There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a... जैसे हमने ये कॉर्नर इस तरीके से अटैच किया, वैसे ही हमें ये पट्टी भी इसी तरीके से अटैच करनी है। I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. ये जो वस्त्र है वो उल्टा है, इसको हमें सीधा करना है। तो इस तरीके से हम इन कॉर्नरों को सीधा कर देंगे ऐसे।
रेडी है ये। इसके ऊपर एक सिलाई लगानी पड़ेगी ताकि ये अच्छे से जम जाए। लगने के बाद एक तो इसमें जमावटी आ जाएगी, जो खुलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। Pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. ऊपर वाली लेस है वो भी फिट हो चुकी है और साइड वाली पट्टियां भी लग चुकी है। तो अब जो नीचे वाली पट्टी है वो हमें इस तरीके से लगानी है, ऐसे जैसे ऊपर की लगाई थी वैसे ही नीचे की पट्टी लगानी है और उस पर यहाँ पे लेस लगानी है। क्या करेंगे, ये जो पैक है वो पैक नहीं करना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये पट्टी आपने जो कटिंग की है वो यहाँ पे रखने के बाद आपको एक निशान लगा लेना है इस तरीके से, थोड़ा सा आगे अंदर की साइड में, एक इंच आधा इंच अंदर की साइड ले लीजिए और एक निशान लगा लीजिए आधा इंच की ओर, ताकि जो ऊपर की ये वाली साइडों वाली हम लेसें लगाएंगे ना तो लेस ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगी और बस इसके नीचे नीचे तक आनी चाहिए। तो यहाँ से हम लेस लगानी शुरू कर देंगे। येलो वाली लेस है वो यहाँ भी लगाऊंगी और इस पट्टी पे भी लगाऊंगी ताकि लुक है जो बहुत अच्छा आएगा, जैसे माता जी ने साड़ी पहन रखी है। तो अभी मैं यहाँ पे लेस लगा देती हूँ। वाला साइड है वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया, इस पट्टी के जस्ट नीचे ही मैंने निशान लगाया। तो अब मैं यहाँ से इस लेस को स्टार्ट कर लूँगी यहाँ से। तो ये देखिए हमने लेस है जो कम्प्लीट लगा ली है दोनों साइड से और यहाँ से, और ये जो नीचे पट्टी लगने वाली है इसको भी मैंने तैयार कर लिया। इस तरीके से ये पट्टी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से सिलाई लगा के इस पट्टी को भी मैं तैयार कर दूंगी। ऐसा काम करना है, यहाँ पे हमें दो पिन लगानी है, जैसे याल पिन होती है वो लगानी है, एक तो यहाँ पे लगानी है क्योंकि हमें ये वाली सिलाई है ना जो इस कपड़े को इसके साथ जोड़ना है ताकि ये खुले नहीं। यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से, ये देखिए मैं याल पिन लगा के आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे एक सिलाई आ जाएगी तो ये थोड़ा सा बंद हो जाएगा ना तो सही रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों तरफ इसमें लेस लगा ली है, यहाँ भी थोड़ी सी सिलाई लगाती थी आप देख सकते हैं, ताकि ये सिलाई लगाने के बाद खुलेगा नहीं। ये चारों कॉर्नर है जो मजबूत हो चुके हैं, चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली और इस तरीके से ये वस्त्र है जो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से इसके अंदर हाथ डाल सकते हैं अपन, इस तरीके से इसके अंदर तस्वीर है वो जाएगी। तो अब इसके नीचे है मैं ये वाला गोटा लगाऊंगी इस तरीके से, पाइपिंग करूँगी ऐसे ऐसे पाइपिंग करूँगी ये गोटा, क्योंकि फोल्डिंग नहीं करूँगी मैं, गोटा ही लगा दूँगी नीचे भी ताकि अच्छा लगेगा। इस तरीके से कुछ पहनाई जाती है, जैसे आप तस्वीर को अंदर डाल दीजिए ऐसे, और ये देखिए इस तरीके से पहना के रखनी हो। मैं ये फोल्ड करके नीचे इस तरीके से गोटा लगा देती हूँ ऐसे। But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait. गोटा लगा दिया, ये इस तरीके से ओपन रहेगा, फाइनल लुक है और ये तैयार हो चुका है वस्त्र। ये मेजरमेंट निकालना है तो आप इस तरीके से निकालिए, मैं आपको बता देती हूँ। आप तस्वीर का मेजरमेंट देख लीजिए कि इसमें 5 आ रहा है, चौड़ाई 5 आ रही है और लंबाई है वो आ रही है आपकी 7, तो आप 5.5 और 7.5 लीजिए ताकि ये फिट आए। इस तरीके से आप घर पे वस्त्र बना सकते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।